बांका के सहायक थाना नवादा बाजार क्षेत्र के सनहोला सड़क मार्ग पर कोतवाली गांव स्थित बांका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पैदल जा रहे छात्र को सीमेंट लदी ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे छात्र बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। इधर इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों व छात्रों ने ट्रैक्टर को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के पहुंच जाने से प्रयास असफल हो गया। हालांकि घटना के बाद चालक अशोक यादव वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक छात्र सिविल अभियंत्रण ब्रांच के पांचवें सेमेस्टर का छात्र था और कोतवाली में भाड़े के कमरे में रहकर पढ़ाई करता था। मृतक छात्र की पहचान धोरिया थाना क्षेत्र के लहोरिया सातपुर गांव निवासी हरिकिशोर पंडित के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। मृतक मनीष कुमार राजकीय पॉलिटेक्निक बांका के सिविल अभियंत्रण ब्रांच के पांचवें सेमेस्टर का छात्र था और कोतवाली गांव स्थित एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। छात्र कोतवाली गांव में किराए के मकान में रहकर अपने रूम से निकलकर पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ जा रहा था, तभी टेकानी गुड्स यार्ड से सीमेंट लेकर सनहोला की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने संस्थान के सामने ही छात्र को रौंद दिया। इस घटना में छात्र बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग व संस्थान प्रबंधन छात्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन इससे पूर्व ही रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और सनहोला जगदीशपुर सड़क मार्ग को संस्थान के सामने पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग की। थानाध्यक्ष पंकज किशोर ने कहा कि छात्रों एवं परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र उच्च अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग के साथ परिवार में एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वो कॉलेज से निकल रहा था, ट्रैक्टर आ रहा था तो एक्सीडेंट करके हम लोग कॉलेज के अंदर में थे, बाहर रहे थे। आप ये साथे थे? हम साथ नहीं थे, बाहर रहे थे अंदर। सब साथ तो देखिए घटना हुआ था तो एक अंकल आके लेके ऑटो पे बैठाए थे, तो हमको बोले साथ में आने, एडमिट करके लाने साथ। कॉलेज छुट्टी हो गया जो बाहर निकला है? छुट्टी नहीं हुआ था, लंच के लिए निकला होगा। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार जगदीशपुर थाने का निरीक्षण करने देर शाम पहुंचे, जहां उन्होंने लंबित कांड और वारंट की समीक्षा की। साथ ही थानाध्यक्ष को लंबित कांडों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश भी दिए। एसएसपी ने बताया कि हाल ही में लागू किए गए नए अपराध कानून पर निरीक्षण के दौरान विस्तार से चर्चा की गई तथा इसमें आने वाली कठिनाइयों को कैसे हल किया जाए इसके बारे में बताया गया। साथ ही थानाध्यक्ष और अधिकारियों को हमारी प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। एसएसपी ने करीब एक घंटे तक थाने में रहकर पंजियों की जांच की। वहीं थाने के सभी कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क सहित साफ सफाई की भी जांच की। मौके पर थानाध्यक्ष गणेश कुमार, दरोगा बम, सुधीर कुमार सिंह, हेल्प डेस्क प्रभारी पिंकू कुमारी, पूजा कुमारी, महेंद्र चौधरी मौजूद रहे। अभी जगदीशपुर थाना का निरीक्षण किया गया और साथ में जगदीशपुर थानाध्यक्ष थे, अंचल निरीक्षक क्या जी को लग रहा है, और मुख्य रूप से जो लंबित कांड हैं और जो लंबित वारंट है और जो नया अपराधी कानून लागू हुआ है 23 दिन पूर्व, उसमें जो CCTNS में प्रविष्टि के दौरान जो भी कठिनाई आ गई उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और थानाध्यक्ष को और पदाधिकारियों को जो हमारे प्राथमिकताएँ हैं उसके बारे में बताया गया, कांडों की समीक्षा की गई और उनको बताया कि जो भी कांड लंबित हैं, जो यथाशक्ति उसमें जो भी कार्रवाई की जानी है उसको पूर्ण करा के और कांडों का निष्पादन कराए। भागलपुर जिले के नवगछिया के सहोरा गांव के वीर सपूत आर्मी जवान शहीद सुमन यादव की अंतिम यात्रा में आज पूरा गांव उमड़ पड़ा, जहां बुधवार की शाम शहीद सुमन यादव का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गाँव पहुँच चुका और जिसके बाद शहीद सुमन यादव
पिता स्वर्गीय राम वृक्ष यादव और माता दुलारी देवी के वीर बेटे 21 जुलाई 2024 को हिमाचल प्रदेश के रोपा पहाड़ी क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं शहीद सुमन यादव के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर ओर उनकी शहादत की खबर सुनकर लोग स्तब्ध हैं। भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से गाँव गूंज उठा। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचा तो उनके परिजन बदहवास हो गए और गांव में मातम का माहौल छा गया। शहीद सुमन यादव का पार्थिव शरीर पूरे गांव में भ्रमण के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान श्री सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम यादव ने कहा कि शहीद सुमन की शहादत पर हमें गर्व है। हमारी धरती पहले भी वीर सपूतों के बलिदान से सुगंधित रही है। वही नौगछिया SP पूरन झा, DSP ओम प्रकाश, रंगरा वीडियो अनुभारती सहित अन्य पदाधिकारियों का भी सराहनीय योगदान रहा। शहीद के भाई पवन यादव, सुजीत यादव और रमन यादव ने संयुक्त रूप से अग्नि प्रदान की और पंचतत्व में शहीद का पार्थिव शरीर विलीन हो गया। इस दौरान करीब हजारों लोगों ने शहीद सुमन यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर के बहुरगंज थाना क्षेत्र सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोकते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि इस सड़क का टेंडर बहुरगंज से कोयली सड़क बनाने के लिए हुआ था, लेकिन पार्षद की मिलीभगत से यहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूर्यलोक कॉलोनी की सड़क पहले से ही अच्छी स्थिति में थी, जबकि कोयली सड़क किनारे स्थित कुतुबगंज की सड़क की हालत जर्जर है। इससे आने जाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया और एम्बुलेंस भी उनके मोहल्ले में नहीं आ सकती। ग्रामीणों का कहना है कि भूखे को अनाज देने के बजाय पेट भरे को अनाज दिया जा रहा है। जो सड़क पहले से बनी हुई है उसी पर निर्माण सामग्री डाली जा रही है, जो बर्दाश्त के बाहर है। उनका कहना है कि वार्ड 50 और वार्ड 51 के पार्षद फोन तक नहीं उठाते हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक कोई भी पुलिस पदाधिकारी, प्रतिनिधि या सड़क निर्माण कराने वाले इंजीनियर घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे आक्रोशित ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य को लेकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुतुबगंज कॉरिडोर दो वार्ड में आता है, 50 और 51 दोनों पार्षद कोई नहीं आता है, कभी भी खाली बस आता है, बहुत पूछा जाता है बनेगा बनेगा, बोर्ड का आता है इस बार पास हो जाएगा नहीं, कभी ध्यान नहीं देता है दोनों पार्षद। तो आज आप लोग क्या किए, रोड जाम किए हैं? आज रोड जाम किए हैं, उधर ज्यादा दिक्कत है, इधर रोड बना हुआ है, देखिए फिर भी बना रहे हैं। तो ये विरोध कब तक रहेगा? विरोध जब तक उधर का काम चालू नहीं होगा विरोध रहेगा। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के चौथे दिन हजारों कांवरियों ने अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल और वाहन से बोलबम के जयकारों के साथ रवाना हुए। वहीं हावड़ा से आए दर्जनों कांवरियों का जत्था 140 किलो का विशाल कांवर लेकर बोलबम के जयकारों के साथ रवाना हुए। हावड़ा के कांवरियों ने बताया कि बाबा भोलेनाथ हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए हर वर्ष तरह तरह के कांवर लेकर भगवान भोलेनाथ को मनाने जाते हैं। वहीं नमामि गंगे घाट पर पर्यटन विभाग के द्वारा चौथे दिन पटना की गायिका तानु गोगली के द्वारा बाबा भोलेनाथ पर आधारित एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति
दी गई, जिसका मौजूद कांवरियों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र गुप्ता, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, नगर परिषद के सभापति राजकुमार ने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। कांवरियों ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन द्वारा गंगा घाट में निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था करने पर हम लोगों को सामान रखने में काफी सुविधा हो रही है, जो और भी गंगा घाट में लॉकर की व्यवस्था होनी चाहिए। सनौला थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे के बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर ट्रक पर गिर गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। वहीं ट्रक चालक और खलासी ने किसी तरह से अपनी जान बचाकर ट्रक से बाहर निकलकर भागने में कामयाब रहा। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सनौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग को स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद बिजली विभाग की तत्परता से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, जिससे पास में खड़े दर्जनों ट्रक आग की चपेट में आने से बच गए। वहीं बिजली आपूर्ति कटने के बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ट्रक तेज गति से सनौला से घोगा की ओर जा रही थी और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया।